You love the light, and you think it's never dying. You love the light, you love the light. I am the dark side of the sun, where the flames are frozen dreams. I am the dark side of the sun, I'm the dark side of the sun. I can never die. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिफ्ट टू एक्सप्लोर। सो आज बहुत महीना बाद एक ब्लॉग करने वाला हूँ। एक्चुअली बीच में मैं बहुत ही बिजी था, तो ब्लॉग वॉग वीडियो कुछ नहीं हुआ, बट घूमना हुआ बट ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज हम लोग हैं अभी गुवाहाटी पे। हम लोग एक्चुअली कल सिलीगुड़ी से गुवाहाटी आए थे, तो कुछ काम भी था और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा इसलिए आए थे। तो मेरे साथ मेरा दो दोस्त है सिलीगुड़ी से, एक शायन और ऊपर में है रातुल। तो अभी हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, जो आज है मंडे और अभी सुबह का 7 बज रहा है। तो अभी लेट्स सी मेघालय तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ एक नया जगह है, वहाँ पे देखने का प्लान है। तो बने रहिए वीडियो पर। तो हम लोग अभी जोराबट में है, तो ये जो अंडरपास है यहाँ से चला जाता है सीधा शिलोंग, और हम लोग अभी शिलोंग के तरफ जा रहे हैं। आज एक प्लान हुआ शिलोंग में, आपको बोले ही है। रोड के इस पर पूरा मेघालय था और इस पर था असम। तो अभी हम लोग शिलोंग का रोड मैप एंटर कर चुके हैं। तो एक दिन का हम लोगों के पास आज टाइम है, सो लेट्स सी कितना कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्या बोलूँ, मैं पहले का गया नहीं उस जगह पर जाने का प्लान है। एंड आप बने रहिए जर्नी पर। तो हम लोग अभी है नोंगपो में, एंड सुबह तो कुछ खाया नहीं था, तो अभी भूख लगा है, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारा ढाबा है तो सब बंद है, एक्चुअली व्यू के कारण सब पता नहीं, स्टाफ लोग नहीं है उन लोगों का, तो बहुत सारा ढाबा बंद है। तो यहाँ पे अभी आया तो एक देखा खुला हुआ है, तो लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे सैंडविच खाने रुके थे एक बार, यहाँ पे सुबह का टाइम सैंडविच नहीं होगा, तो यहाँ पे पराठा है एंड सब्जी है। हम लोग अभी नहीं खाएंगे यार, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो ये 3 नंबर शॉप है जहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढते ढूंढते आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप और पकौड़ा भी है, बट सुबह सुबह इतना कुछ खाना तो नहीं। मैं कॉफ़ी। नाउ वी आर एट उमियम लेक, और यहाँ पे अभी पानी काफ़ी सूख चुका है। तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अभी भी जो हम लोगों का डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है 2 घंटा। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत दिन पहले से वो जाने का मन था कि जाएंगे, बट इस बार शायन ने बोला कि चल जाते हैं। बोलो ठीक है, चल जाते हैं। वाओ। तो प्लान में एक चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे इस तरफ एंड उस तरफ ही था वेशाडोंग फॉल, बट इतना जैम है आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि आप, हम लोग कितना टाइम जैम में रहा हूँ। इतना तो हम तो अभी तक अभी स्टार्ट किया वीडियो,
मतलब एक डेढ़ किलोमीटर से ऐसे ही है और बहुत स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग प्लान चेंज कर लिया, हम लोग वो फॉल्स बाद में जाएंगे, अभी हम लोग क्योंकि हम लोग बस टाइम नहीं है। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं खरांगशोरी फॉल्स की तरफ, जो मेन रोड की तरफ जोहाई रोड से जाते हैं, तो डिस्टेंस है वो, बट हम रोड खुला मिलेगा तो हम लोग जल्दी कवर कर पाएंगे और इसलिए हम लोग प्लान चेंज कर लिया। तो कोई ना, हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे उसमें और वेशोडंग फॉल को एक्सप्लोर करेंगे। बट ये भी अच्छा जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और शायन भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया कि वो प्लान हुआ था ये, बट क्या करें, समय के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। एंड चलिए ये वाला जर्नी आप लोगों को दिखाते हैं। एंड खरांगशोरी फॉल्स ऑल्सो ए गुड प्लेस टू विजिट, सो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हम लोग अभी जोहाई तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो तो पहले वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, तो अभी खरांगशोरी फॉल्स तरफ जा रहे हैं। ओ यार क्या रोड है, गाड़ी चलाने के लिए और बाइक के लिए तो हेवन ही है। तो ये एक छोटा फ्रेंड से मुलाकात हुआ। हेलो तो हम लोग अभी जोहाई पे एंटर कर चुके हैं। एंड ये थोड़ा क्राउडेड सिटी है, मैं तो पहले एक बार आया हूँ इधर से, बट बाइक लेके आया था, तो मेरे पास ड्यूक 390 था, 2018 में आया था, 17 18 आज फिर यहाँ से, यहाँ पे बहुत लंबा लाइन है। फिर भी शिलोंग में जैसा ट्रैफिक था वो तो काफ़ी लंबा था। अब यहाँ से और ज़्यादा नहीं, 20 किलोमीटर बाद ही होगा वो खरांगशोरी फॉल्स। सो ब्लॉक पे बने रहिए, यहाँ पे मार्केट भी है। इसको देखो, ये सामने एक ऑल्टो है, ऑल्टो का हालत देखिए ये क्या है। टूवर्ड्स जो जोहाई टू खरांगशोरी फॉल्स जो रास्ता है, जो रोड है, वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ सीन है, तो वहाँ पे आप बिना रुके नहीं सकेंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी बार रुक चुका है। अभी ये वाला एक जगह है, केव है, ये मैन मेड है या नेचुरल है आई डोंट नो, बहुत सारा है यहाँ पे, एक नहीं है। इस तरफ नीचे ऊपर बहुत जगह पे इस तरफ से नहीं जा सकता, उस तरफ से चल, उस तरफ से चल, हम कैसे उठेगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, हम नहीं जा पाएगा। फोन तो मेरे को दो, हो जाएगा, छोड़ दे, होगा, गिनने नहीं, चल गिनने नहीं।
आप लोग बेयर ग्रिल्स को ऐसा करते आप लोग बेयर ग्रिल्स को ऐसा करते हुए देखे हैं, तो हम लोग अभी बेयर ग्रिल्स की तरह ही कुछ करने वाले हैं। बल में नहीं ऊपर। आप लोग काफी बार आ चुके होंगे मेघालय पर, बट ऐसा टाइप जगह वैसा एक्सप्लोर कर लिया यार। वाओ वो भाई पूरा पानी गिर रहा है ऊपर से नेचुरली तो। अरे क्या बात, ये मैनमेड है एक्चुअली, ये सब कटिंग होता है। मुझे जो लगता है यहाँ से लाइम बनता है, मतलब लाइम जो होता है चूना, ये सब पता नहीं मुझे लग रहा है ये सब से कुछ बनाता होगा। पूरा नरम है, ये कभी भी धस सकता है ये, बट बहुत ही ब्यूटी है, बहुत ही ब्यूटी है। यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ पत्थर का टुकड़ा है यहाँ का, देखो ये सब चीज कैसा है। तो यहाँ पे टेक्सचर देखिए इसका कैसा डिजाइन है, मैं लेके जाऊंगा इसको। तो अंदर बहुत है, ये कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म मालूम नहीं है, बट हम अभी निकल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं धस ना जाइए। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ये यहाँ पे। यहाँ पे जम 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 मार जम मार, अरे जम मार ना, इतना सा के लिए वो भी डर रहा है। जम 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 जम, अरे सो हम लोग क्रांगसुरी फॉल्स जाने वाले थे, फिर रास्ता पे और एक साइन बोर्ड मिला फीफी फॉल्स का, तो वहाँ पे पूछे, वहाँ पे टिकट काउंटर था, तो वहाँ से टिकट लिए। एंड टिकट लेने के बाद वो लोग बोले कि यहाँ से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं, आप जा सकते हैं, और बहुत अच्छा है, मैंने फोटो भी देखा अभी। वाओ रोड फिफी फॉल्स का, तो पता नहीं फॉल्स कौन सा एक्चुअली, पूछना पड़ेगा। और यहाँ का सीन देखिए, यहाँ पे कुछ पिकनिक पार्टी हो रहा है, एंड यार काफी सही जगह है। एंड यहाँ पे क्या बोलू, ये आप लोग इस जगह को एक बार विजिट करो। आप लोग शिलोंग आते हैं तो वही एलिफेंट फॉल्स और डाउकी जाते हो, बट दिस प्लेस इज सम यू नो वेरी स्पेशल एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो हम लोग का ये गाड़ी, एंड वहाँ पे गाड़ी जा रहा है, अब पूछना पड़ेगा कि फीफी फॉल्स उस तरफ ही है कहाँ पर, हम लोग को नहीं मालूम एक्चुअली, पूछना पड़ेगा। यहाँ पे और एक छोटा सा फॉल है, अभी तो नहाने को मन कर रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो बात ये है कि मैं गाड़ी यहाँ से क्रॉस करके नहीं लाया कि एक्सट्रीम ऑफ रोड है, तो यहाँ पे तो ये भैया ने लिफ्ट दिया मेरे को। This is adventure और फीफी फॉल्स बहुत नाम सुना है, बहुत फोटो देखे हैं, बट आज जाएंगे एंड
सीरियसली दिस इज कॉल्ड एडवेंचर यार। तो यहाँ पे सब लोकल्स है, वो लोग छुट्टी में घूमने आए हैं आज। What a view यार, मतलब कैमरा में कुछ मालूम नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, खाली आंखों में जो ये वेदर है और जो हवा यार। The road is very slippery. रिंग रिंग जिंग जिंग डके आराम बहुत हवा चल रहा है यहाँ पे और मेरे पास एक्सटर्नल माइक भी नहीं है, पता नहीं कैसे साउंड आ रहा है और क्या का सीन। ये लोग सब लोग आए हैं, वो नीचे से हम लोग के साथ पिकअप हो एंड मैं गिनने वाला था। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं व्यू देखने के लिए? सो यस, दिस इज द पीपी फॉल्स। तो बात यह हुआ था कि हम लोग फिफी फॉल्स के करीब जाएंगे, मतलब नीचे उतरेंगे और फॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, बट समय एकदम भी नहीं था हम लोगों के पास क्योंकि टोटल फॉल्स में आने में, फिर ऊपर आने में और नीचे जाने में टोटल आपको 1.5-2 घंटा लग जाना था। तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग वो फॉल्स के नीचे तक जाएँ। तो हम लोग जस्ट ऊपर से फॉल्स देखा एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर नीचे जाएंगे। A few inches later. Yay! तो एक्चुअली यहाँ पे टेंट भी होता है एंड आप लोग यहाँ पे एक्चुअली स्विम भी कर सकते हो, नहा सकते हो एंड यहाँ पे टेंट भी होता है लाइक नाइट कैंपिंग। तो वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा आपको ऊपर से नीचे आने के लिए एंड यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो हम लोग रणछोड़ी फॉल पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द रणछोड़ी फॉल। यू कैन सी द रेनबो इफेक्ट राइट। এদিকে এদিকে লাইফ জ্যাকেট, ওই যে ওখানে স্নান করছে সবাই। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अभी थोड़ा यहाँ पे नहाएंगे, धूप है बहुत एक्चुअली। तो हम लोग का सामान सब इधर में रखा है एंड
यस, हम इंडिया में ही है, हम इंडोनेशिया में नहीं है, एंड अभी मजा लेंगे इस जगह का। वो सो अभी हम पानी में, बट इस बार तो गोप्रो नहीं लेकर आया यार। गोप्रो आने से अंडर वाटर वीडियो बहुत अच्छा था। यहाँ पे पूरा क्लियर वाटर है, पूरा यहाँ पे ब्लू। फिर भी मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ एक अंडर वाटर शॉट लेने के लिए, एंड काफी ठंडा पानी है यार। वो यहाँ पे डेप्थ है इतना तक, और आगे में जो है, आगे में आपका मोटा मोटी 7 फीट जैसा हो जाएगा। ओ रतुल, कैसा ठंडा है इसको बीप कर deep into the water is, but it's very cold. तो हम लोगों का नीचे नहाना हो गया, फॉल्स का फोटो वीडियो भी ले लिया, एंड अभी क्योंकि नीचे एक होटल भी था एक्चुअली, और हम लोग लंच अभी तक नहीं किए हुए हैं, बट वो होटल रेनोवेट हो रहा है तो होटल बंद है। तो फिर से हम लोग को ऊपर पार्किंग में आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को अच्छा मिलता है तो खा लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ रास्ते में कुछ खा लेंगे। सो काफ़ी सांस भी फूल रहा है मेरा। वीडियो कैसा लगा? ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था ब्लॉग का, क्योंकि ना मैं ट्राइपॉड लाया था और ना मैं गोप्रो, फ़ोन पे किया मैं पूरा वीडियो, एंड गाड़ी ऊपर में है। सो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा।